सर पिछले 2-2.5 महीने से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। जल गया सर पूरा मणिपुर। उन्हें कवर करें, हिंदू मुस्लिम एंगल है? हिंदू मुस्लिम वो तो नहीं है सर। फिर लेकिन सर मेवात में दंगे हुए हैं और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 80% मुस्लिम है सर, ये चलेगा? That's my boy. देखिए मेवात हिंसा के बाद मेवात को एक ही दिन में जितनी कवरेज मिली है उतनी कवरेज मणिपुर को पिछले 2 महीने में नहीं मिली। लगभग सभी न्यूज एंकर्स ने इस घटना के लिए मेवात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। किसी ने यहाँ के लोगों को आतंकवाद से जुड़ा बता दिया तो किसी ने इस रीजन को मिनी पाकिस्तान बता दिया और किसी ने कहा कि ये हिंदुओं पर प्री प्लान्ड अटैक था। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला तो यही कि एक्चुअल में इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। दूसरा ये कि अगर ये प्री प्लान्ड अटैक है तो किसने किया ये प्लान, हिंदुओं ने या फिर मुस्लिम्स ने? और तीसरा ये कि क्या हिंदुओं का मेवात से पलायन हुआ? तो ये इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मेवात के बारे में। दादाजी कई बार जेल गए, उनको अंग्रेजों ने टॉर्चर किया। ना कभी अंग्रेजों से दबे, ना कभी मुगलों से दबे। जब भी अलग सुनाए हमारा गांव ने इन 2000 गांव ने पानी की मांग की। मरनो जीनो है भारत के साथ, मेरी ऐसी है मर्दानी मेवात। देखिए साल 1527 की बात है, लगभग आज से 500 साल पहले मुगल शासक बाबर और राजपूत राणा सांगा के बीच उत्तर भारत पर सुपर मैसी के लिए खानवा की जंग चल रही थी। इसमें हसन खान मेवाती राजपूतों का साथ दे रहे थे और बाबर के कब्जे में था हसन खान मेवाती का बेटा। बाबर ने हसन खान के बेटे को रिहा कर दिया और धर्म के नाम पर अपने खेमे में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस सब के बावजूद हसन खान ने राजपूतों का साथ दिया और इस जंग में फिर राणा सांगा की हार हुई और उसके बाद फिर हसन खान को अपनी जान गंवानी पड़ी। हसन खान मेवाती मेवात के मेव मुसलमान थे, वही समुदाय जो आजकल फिर से चर्चाओं में है। दरअसल हरियाणा का मेवात इलाका हिंसा में झुलस रहा है और जिस नूह जिले से इस हिंसा की चिंगारी उठी उसमें तकरीबन 80% लोग मुस्लिम्स हैं और उनमें भी ज्यादातर मेव मुसलमान हैं। हरियाणा का पूर्वी मेवात जिला राजस्थान के अलवर व भरतपुर और यूपी के मथुरा जिले का कुछ हिस्सा शामिल है, जहां पर मेव करीब 1000 साल से रह रहे हैं और मेव मुस्लिम्स के ओरिजिन को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जड़ें ईरान में हैं और दूसरे लोग इन्हें मीणा जनजाति से जुड़े बताते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक मेव हिंदू राजपूत थे, फिर इन लोगों ने 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इस्लाम अपना लिया था। ब्रिटिश इरा में मीणा से मेव बनने की थ्योरी सबसे पहले एथनोग्राफर और अलवर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर P.W. पोलेट ने दी। उन्होंने बताया कि मेव समुदाय मीणाओं से जुड़ा है। पोलेट ने 1878 के उलूर का नाम अलवर के गेजिटियर में लिखा है कि मेव और मीणा शब्द के बीच समानता से पता चलता है कि ये मीणाओं का एक छोटा रूप है। दोनों समुदायों सिंगल, नाई, डुलौत, पिंडालौत, डिंगल, बालौत में कई कुलों के नाम समान है। एक और कहानी जो खान टाइटल से जुड़ी है, साल 1355 में कोटला नूह जिले के जादौन राजपूत राजा लखनपाल के दो बेटे कुंवर सोनपाल और कुंवर समरपाल दिल्ली सल्तनत सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के वहां काम करते थे। इस दौरान कुंवर सोनपाल ने एक बाघ से सुल्तान की जान बचाई थी। इसके बाद फिर दोनों भाइयों को सुल्तान ने खान का टाइटल दिया। इतिहासकार सहल मायाराम ने अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट काउंटर परस्पेक्टिव फ्रॉम द मार्जिन्स में इनका जिक्र किया है। साल 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने मेवात का शासन राजा नाहर खान मेवाती को सौंप दिया था। राजा नाहर खान ने ही मेवाती शासकों को वली मेवात का टाइटल दिया था। उनके वंशज 1527 तक इसी टाइटल का इस्तेमाल करते रहे थे और बाबर से लड़ने वाले हसन खान भी इन्हीं के वंशज थे। हसन खान मेवाती मेवात वंश के राजा थे जिनकी राजधानी अलवर थी। तो अब जान लेते हैं आजादी की लड़ाई में मेव मुस्लिम्स की भूमिका क्या थी। 1857 की क्रांति के दौरान तकरीबन 6000 मुस्लिम्स अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और इनमें कुछ फेमस कहानियां भी हैं, जैसे रायसीना की। गुड़गांव के असिस्टेंट कलेक्टर विक्रम क्लिफोर्ड ने क्रांति को दबाने के लिए कई गांवों को आग लगा दी थी। इसके बाद मेव मुस्लिम्स ने क्लिफोर्ड समेत 60 अंग्रेजों को जान से मार डाला। पलवल, तकरीबन 3000 मेव मुस्लिम्स ने रूपरा का गांव में कैप्टन इमंड की टुकड़ी से 2-2 हाथ किए थे। इसमें तकरीबन 350 मेव लोगों की मौत हो गई थी। नाव घासेड़ा, आर्टिलरी मैन अली हसन खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। हसन की अगुवाई में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए तकरीबन 150 मेव ने अपनी जान दी थी। नूह, सदरुद्दीन नाम के एक किसान ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मेव मुस्लिम्स की रैली की। इसके बाद फिर अंग्रेजों ने 52 लोगों को हथियारों के सहारे पेड़ पर लटकाकर उनको फांसी दे दी थी। होडल, यहाँ पर अंग्रेजों को मेव समुदाय के लोगों ने
बगावत का संदेश भिजवाया। फिर ब्रिटिश सेना को होडल भेजा गया तो वहां के मेव समुदाय के लोगों ने उनको खदेड़ दिया। इतिहासकार सोल मायाराम ने साल 2000 में एक लेख लिखा कि 1947 में बंटवारा होने के बाद मेवात रीजन में भी कम्युनल दंगे हुए थे और उस वक्त अलवर और भरतपुर स्टेट में लगभग 2 लाख मेव रहते थे और इस दौरान भरतपुर में 30,000 मेव मारे गए और ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। वहीं पर अलवर में मारे गए और जो लोग डिस्प्लेस हुए उन लोगों का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है और जो लोग इस हिंसा से बच गए वो लोग नूह, रेवाड़ी और सोहना के वेटिंग कैंपों में पहुंच गए जो उस समय पंजाब में था और वेटिंग कैंपों में लोग तब तक रहते थे तब तक उनको पाकिस्तान नहीं भेज दिया जाता था। इसी दौरान अखिल भारतीय मेव पंचायत के सचिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल हई ने कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी से बात की और उस समय जोशी ने कहा था कि केवल गांधी ही शांति ला सकते हैं और मेव मुसलमानों के मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल नेता मोहम्मद यासीन खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सितंबर 1947 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में गांधी जी से मुलाकात की। इस दौरान मेव ने गांधी जी से कहा था कि हम पाकिस्तान जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसी दौरान गांधी जी को घासेड़ा आने का न्योता दिया गया था और यहाँ पर भी भरतपुर और अलवर से आए हुए मेव शरणार्थी रुके हुए थे। इसके बाद गांधी जी घासेड़ा आए और उन्होंने मेव समुदाय के लोगों से कहा कि मेव देश की रीढ़ की हड्डी है और उनको पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी और उनसे कहा कि वो लोग यहीं रहें। इसके बाद करीब 50% मेव मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। फिलहाल 20 लाख मेव मुख्य रूप से हरियाणा के नूह और राजस्थान के एडजेसेंट अलवर और भरतपुर में फैले हुए हैं। तो अब जानते हैं कि नूह में हिंसा कैसे भड़की। देखिए नूह हिंसा के सीधे तार जुड़े हैं इसी साल फरवरी में हुई नासिर और जुनेद के हत्याकांड से। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मेवात रीजन 3 स्टेट के ट्राई जंक्शन पर बसा हुआ है तो राजस्थान के भरतपुर जिले के नासिर और जुनेद को 15 फरवरी को मोनू मानेसर उनके साथियों ने जिंदा जला दिया था। इसके बाद फिर राजस्थान पुलिस कई बार मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए हरियाणा गई लेकिन हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, उल्टा राजस्थान पुलिस पर ही FIR दर्ज कर दी। मोनू मानेसर के बड़े बड़े नेताओं के साथ लिंक्स अप हैं, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं था और शायद इसीलिए आज की डेट तक उन्हें पकड़ना पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसी सब के चलते मेवात रीजन में मोनू मानेसर के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। तो हरियाणा के पुलिस प्रशासन की इसी ढील पर नूह जिले के झिरका तहसील से एक MLA ने विधानसभा में एक बयान दिया था। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये? आपके मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। तो इस बात को 3-4 महीने बीत गए। इसके बाद एक यात्रा होने वाली थी जो कि हर साल होती है जिसका नाम है ब्रिज मंडल यात्रा जो कि मेवात के नूह से होकर गुजरती है। पिछले कई सालों से गुजरती आ रही है और यहाँ आए हुए लोगों का मेवात के लोग अच्छे से स्वागत करते हैं और इसी के लिए फिर कम्युनल हारमोनी भी देखने को मिलती है कि देखिए देश में मेवात में कितना भाईचारा है। फिर इसके बाद मोनू मानेसर की एक वीडियो आती है, उसमें वो कहते हैं कि वो खुद इस यात्रा में होंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों को ये आमंत्रण है कि वो आए और इस यात्रा में हिस्सा लें। ये वीडियो वायरल हो गई। अब पहले से ही मोनू मानेसर के लिए मेवात के लोगों में गुस्सा था। इसके बाद एक और वीडियो सामने आती है जो कि बिट्टू बजरंगी की है। इसमें वो कहते हैं कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं और मेवात के लोगों तुम फूलमाला के साथ तैयार रहना, मतलब कि एक विशेष समुदाय को उकसाने की पूरी कोशिश की गई थी। इसके बाद तो फिर मेवात के लोगों का जो गुस्सा था वो टूल पकड़ गया। जैसे ही वो यात्रा आती है यहाँ पर पथराव शुरू होता है। अब यात्रा में जो बजरंग दल के लोग थे वो हथियारों के साथ आए थे। फिर जब दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई तो इस चीज ने फिर हिंसा का रूप ले लिया। पुलिस से इस यात्रा के लिए परमिशन भी ली गई थी और पुलिस ने साफ तौर पर क्लियरली कहा था कि अगर तुम यात्रा में जाओ तो कोई हथियार वत्यार नहीं ले जाएगा और पुलिस को पहले ही पता था कि मामला संगीन है, इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। सिर्फ 100 पुलिस वाले वहां पर तैनात किए गए, वो भी हिंसा के वक्त भाग गए थे। अब एक सवाल ये बनता है कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतना भड़काने के बावजूद भी क्या पत्थरबाजी करना एक शोभा यात्रा पर सही है? देखिए मेरे ओपिनियन में किसी भी सिचुएशन में एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करना गलत है, लेकिन उनका क्या जिनके पास यात्रा में बंदूकें और तलवार थी, वो शोभा यात्रा ही थी ना। क्योंकि एक सवाल जो हमने शुरू में ही पूछा था कि क्या ये जो हिंसा हुई ये प्रीप्लैंड अटैक था, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बजरंग दल के लोगों के पास हथियार मिले तो हाँ हम कह सकते हैं ये प्रीप्लैंड अटैक था। और मामला इतना क्रिटिकल था कि जहाँ जरा सी तूतू में भी बहुत बड़ा बवाल कर सकती थी वहाँ पर हथियार ले जाए गए। अब जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लीगल कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी ध्वस्त कर दिया गया है।
देखिए, मेरा मानना यह है कि न्याय सिर्फ अदालत से होना चाहिए, एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। यह जो बुलडोजर वाला न्याय है, इसमें न्याय से ज्यादा कई बार अनजस्टिस हो जाता है। गरीब लोगों के मकान गिरा दिए जाते हैं और उन गरीब लोगों के मकान और दुकान गिराने पर उन गरीब लोगों को और गरीबी में पहुंचा दिया जाता है। कई बार हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां पे गिराए हुए लोगों के मकान गिरे हुए हैं और वो लोग रोते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में कुछ सवाल बनते हैं कि अगर गवर्नमेंट को लगता ही है कि ये इकलौता यही सॉल्यूशन है, यही बेस्ट सॉल्यूशन है कि बुलडोजर से सबके मकान गिरा दिए जाएं, तो फिर उनका क्या? जिन लोगों ने गुड़गांव की मस्जिद में आग लगा दी थी, एक इमाम को मार डाला था, उनके घर कब बुलडोजर चलेगा? क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? अगर बुलडोजर ही चलना था तो सबसे पहले बुलडोजर चलना था मोनू मानेसर के घर, जिसको इतने बड़े संगीन जुल्म के बावजूद भी अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। और ये अकेला इकलौता मर्डर केस उनके ऊपर नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारे केस उनके ऊपर दर्जी थे। लेकिन नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो गवर्नमेंट के लाडले हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटोज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एन इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने देश में दंगे भड़काकर गवर्नमेंट की हेल्प की है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या यहां से हिंदुओं का पलायन हुआ? इसका जवाब है हाँ। और क्या ये पलायन मुस्लिम्स की वजह से हुआ? इसका जवाब है ना, क्योंकि यहां से पलायन तो हुआ है लेकिन वो हिंदुओं और मुस्लिम्स दोनों का हुआ है। और इस पलायन की मेन वजह है यहां पर बेरोजगारी, भुखमरी और बहुत सारे रिसोर्सेस, जो कि इंडिया की दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ पर कम है। जो यहाँ पर थोड़ा पढ़ लिख जाता है और ठीक ठाक सेटल हो जाता है, वो इस जगह को छोड़कर कहीं दिल्ली, गुड़गांव जैसी जगहों पर चला जाता है। हालांकि इसकी लोकेशन कहीं एक एकांत दूर दराज नहीं है, बल्कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया से सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर दूर है। और इसके बावजूद भी यहाँ पर पिछड़ापन इतना ज्यादा है कि आदिवासी जिला बक्सर से भी पीछे है ये रीजन। जहाँ देश में बेरोजगारी 6.8% है, यहाँ पर 50% से भी ज्यादा है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि पूरे मेवात क्षेत्र में एक भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऐसा कि पूरे मेवात में रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रेलवे लाइन ही नहीं है। मेवात क्षेत्र की मुस्लिम आबादी 20 से 25 लाख है और इसमें सबसे ज्यादा है वो नूह इलाके में है, 10 लाख। 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इंडिया के 101 सबसे पिछड़े जिलों को शामिल किया था, और इन 101 जिलों में 49 ऐसी चीजों पर एग्जामिन किया गया था, जैसे कि हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीजों पर एग्जामिन किया गया था। एंड रिजल्ट वाज शॉकिंग, यहां पर नू ने सिर्फ 26% मार्क्स स्कोर किए थे, और ये मार्क्स इतने कम थे कि पूरे देश के किसी भी जिले से ये कम थे, आदिवासी जिला बक्सर से भी कम। तो क्या मेवात के इतने पिछड़े रहने के पीछे यहाँ के स्थानीय नेताओं का हाथ है, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से इसको इग्नोर करती आई है, या फिर यहाँ के लोग ही खुद को डेवलप करना नहीं चाहते? यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी है कि गांव और कस्बों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की दुकानें हैं, और कभी भी यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि मुसलमानों ने कोई बायकॉट किया हो, या फिर ऐसे इकट्ठे होकर किसी ने ऐलान किए हो कि कोई भी हिंदुओं की दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। कभी भी मुस्लिम्स को कोई दिक्कत नहीं हुई। भाईचारा ऐसा कि यहाँ के लोगों के कपड़ों को देखकर भी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो किस धर्म से है। हमारे प्रधानमंत्री को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और शंकर खान, राम खान, संजय, सोनू, राहुल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो दोनों धर्मों के लोग अपने बच्चों को रखते हैं। खैर, एक लाइन है जो मैंने कई जगह सुनी, कई जगह मैंने थंबनेल्स पर भी देखी कि मेवात को लगी किसकी नजर। लिटरली ये बात सही है कि मेवात को किसी की नजर लग गई, वरना आजादी के बाद से अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और यहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बाहरी लोगों ने माहौल खराब किया, तब जाके दंगा भड़का, तब जाके लोगों में गुस्सा फूटा। खैर, लास्टली अब मेरे कुछ सवाल जो आपसे हैं, सबसे पहला तो ये, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती? दूसरा सवाल ये कि मोनू मानेसर जैसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? तीसरा सवाल ये कि दिल्ली के इतने पास होने के बावजूद भी मेवात इतना पिछड़ा क्यों है? खैर, इन फ्यूचर मैं मेवात में जाकर एक रिपोर्ट बनाने वाला हूँ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, जो आपको दिखाएंगे कि मेवात में एक्चुअल भाईचारा कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर सच में इतनी बेरोजगारी है, लोग सच में इतने पिछड़े हैं, और यहाँ की सड़कें कैसी हैं, मकान कैसे हैं, लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं। इन फ्यूचर जरूर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। खैर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए दानिकी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।